हेलो गाइस, वेलकम टू महादेव एडिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए हैं कि टॉपिक पे हमारी वीडियो है। पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। तो उसके बाद हमारी जो फोटोज़ का ट्रांजेक्शन होता है तो वो हम कैसे करना है इस वीडियो में, तो हम इस वीडियो में सब आपको बताएंगे। तो चलो VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। हर बार की तरह हम इसी एप्लीकेशन में अपनी वीडियो को एडिट करेंगे। जाइए इसको डाउनलोड कर लीजिए, जिसके पास है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है जाइए लिंक के डिस्क्रिप्शन जाके डाउनलोड कर लीजिए VN एप्लीकेशन को। जब आप लोग डाउनलोड कर लोगे तब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखा देगा। सिंपल यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिलेगा, तो टेम्पलेट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा टेम्पलेट को। यहाँ पे आप जब स्क्रॉल करोगे राइट साइड को तो यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड मिलेगा, तो इस बैकग्राउंड का कोई ज़रूरत नहीं होता हमें, तो हम सिंपल इसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो चुका है, एंड देन यहाँ पे हमारा टेम्पलेट ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे हम फोटोज़ ऐड करेंगे, तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से हमको अपनी 10 फोटोज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे हम 10 फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हमें अपनी अपनी 10 फोटो सेलेक्ट कर ली है। तो क्या हमने यहाँ पे अपनी टेम्पलेट और फोटो सेलेक्ट कर ली है। देन उसके बाद अब हम यहाँ पे म्यूजिक सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे टैप टू ऐड म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से ये म्यूजिक चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गाइस ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, जो बीट के अकॉर्डिंग जो हमारा जो फोटोज़ होता है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया है, तो मैं आपको बता दूंगा कितने पॉइंट पे मार्क आपको करना है। बट यहाँ पे हम फटाफट पहले बीट के अकॉर्डिंग अपनी फोटोज़ को सेट कर लेते हैं। देख सकते हैं गाइज हमने यहाँ पे अपनी बीट के अकॉर्डिंग सारी फोटोज को मतलब सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम वीडियो प्ले करके देखेंगे हमारी वीडियो कैसी लग रही है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। तो देख सकते हैं हमारी बीट के अकॉर्डिंग एकदम अच्छे से लग रही है, फोटोज एडिट हो चुकी हैं। बट यहाँ पे हमें अपना जो है कुछ इफेक्ट्स लगाने हैं, तो वो कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपल यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम तो यहाँ पे हम अपनी एक फोटो पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे FX वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम ये वाला इफेक्ट ले लेंगे जो हमारा जंग डाउन वाला है, तो इसी पे हम क्लिक करके अप्लाई टू ऑल कर देंगे। तो ये देख सकते हैं ये सब पे अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो क्या एक बार हम अपनी वीडियो फिर से प्ले करके देखते हैं हमारी वीडियो सही लग रही है कि नहीं लग रही है। तो देख सकते हैं गाइज हमारा एकदम अच्छे से एडिट हो चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कितने पे आपको मार्क रखना है। जो हमारी फर्स्ट फोटो है वो 0.54 पे रखना है,
जो सेकंड पॉइंट है वो 0.41 सेकंड पे, और जो हमारी थर्ड फोटो है वो 0.49 पे, जो हमारी फोर्थ है 0.64 पे, ओ सॉरी 46 पे, और जो हमारी फिफ्थ फोटो है 0.46 पे, जो हमारी सिक्स फोटो है 0.45 पे, जो हमारी उसके बाद है वो 0.54 पे, और जो उसके बाद है वो 0.42 पे, 0.42 एंड 0.27। तो इसकी आपको लिस्ट भी मिल जाएगी साथ में, वो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो हमारी वीडियो तो अच्छे से रेडी हो चुकी है, अब यहाँ पे हम एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे 720 वाले पिक्सल अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 100 तक प्रोसेसिंग तक आपकी वीडियो है जो सेव हो जाएगी उसके बाद। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद होगा, अगर वीडियो पसंद होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि ऐसी वीडियो आप तक आती रहे। सो थैंक यू गाइस, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।